नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं जिला ब्यूरोची वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, पत्रकार दिवस 2 दिन बीत गए, लेकिन अभी भी पत्रकारों को सम्मान देना समाजसेवियों ने छोड़ा नहीं। आज जमुई जिला के प्रख्यात चिकित्सक जिनका हॉस्पिटल सोनो में, डॉक्टर एमएस प्रभाज झाझा समेत जिले के तमाम पत्रकारों को लगातार सम्मानित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। हालांकि झाझा के किसी नेताओं में यह दम नहीं था कि किसी पत्रकार को एक कलम पेश कर सम्मानित कर सके। ऐसे में सोनो का एक चिकित्सक आगे झाझा के पत्रकारों को भी सम्मानित करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आप लगातार देख रहे हैं, लॉकडाउन जब से हुआ है तब से डॉक्टर एम एस प्रभाज तमाम गरीब को मदद में, गरीबों की मदद में लगे हुए। ऐसे में झाझा के वृत्तस्तंभ में से एक पत्रकार संजय भड़वाल समेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के तमाम पत्रकारों को अन्य पक्ष के साथ एक छोटा सा गिफ्ट के द्वारा सम्मानित किया गया। हम अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी अपील करना चाहेंगे, हालांकि लॉकडाउन ये पूरी तरह से खुला नहीं है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बाकी देखते रहिए हमारी खबर। जमुई जिला के प्रसिद्ध चिकित्सकों में से प्रभाज हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर एम एस प्रभाज ने जिले सहित झाझा के तमाम पत्रकारों को अंगवस्त्र के साथ गिफ्ट देकर सम्मानित किया। हालांकि झाझा के किसी नेता ने किसी भी पत्रकार को पत्रकार दिवस पर एक कलम भी देना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में डॉक्टर प्रभाज के द्वारा पत्रकारों को सम्मानित किए जाने पर पत्रकारों ने आभार जताया है, वहीं लोगों ने सराहना भी की। आपने देखा, डॉक्टर प्रभाज ने कई जरूरतमंदों को, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो चाहे सामाजिक सहयोग हो, वे हमेशा ऐसे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इस अवसर पर झाझा के पत्रकारों में संजय भरनवाल, वीरेंद्र कुमार, राकेश कुमार, हर्ष कुमार, देवेंद्र कुमार, कई अन्य साथी पत्रकार मौजूद थे। पत्रकारों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करने की इस पहल की पत्रकारों ने भी डॉक्टर एम एस प्रभाज को धन्यवाद दिया। आरपी भारत के लिए वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात है कि देश के वो चौथे स्तंभ जो कलम निगार, कलम के योद्धा, मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं। आप पूजनीय हैं आज के दौर में। आप जिस तरह से इस कोरोना की महामारी में डोर टू डोर जाकर खबर लेकर और हम सब तक पहुंचाने का काम करते हैं, मैं अपने सोनो क्षेत्र से जमुई के सभी बुद्धिजीवियों के तरफ से आप सभी पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सबको हम सम्मानित, अपने पूरी जमुई जिला की ओर से आप सभी को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है कि हम सब जैसे लोग आपको क्या कर सकते हैं, आप तो महान योद्धा हैं और बड़ी काम कर रहे हैं, बस आपकी दीर्घायु की कामना कर सकते हैं भगवान से कि हे प्रभु, इनके परिवार और इनके पूरी घराने को दीर्घायु दे और आगे बढ़ाए और कलम के कलमगार को और ऊंची तक पहुंचाने में भगवान की सहमति हो और हमारी दुआ ये होगी। धन्यवाद। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।